और इसे जयपुर चौपाटी का सेल्फी पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। ये क्या अच्छा हांडी में बन रही है, पब्लिक मानती है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस इनका चूरमा, गुलाब का चूरमा, पाइनएप्पल का चूरमा, काफी अलग अलग। ये भोपू भी यहाँ पर रखा गया है। जो शॉप का डेकोरेशन है वो भी आपने काफी शानदार तरीके से किया गया है। आपके संडे के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा काफी रश रहता है, छुट्टी के दिन काफी रश रहता है। चिकन, फिश, मटन सब अवेलेबल है। चिकन की यही शॉप है। दोस्तों कैसे हो आप सभी, मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हूं जयपुर चौपाटी जो कि प्रताप नगर में बनी है। जयपुर में दो चौपाटी का उद्घाटन किया है अशोक गहलोत जी द्वारा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है। आपको मैं प्रताप नगर की चौपाटी पूरी घुमाने वाला हूं अंदर से। तो दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्री टिकट है वो लेकर चलते हैं अंदर की तरफ। और पूरा जयपुर चौपाटी प्रताप नगर में जो बनी हुई है वो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ पर हम टिकट लेंगे, एक टिकट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री टिकट जो है वो 10 रुपीज है पर पर्सन। तो मैं एक टिकट ले रहा हूँ और टिकट लेकर मैं आपको अंदर की तरफ ले जाऊंगा पूरा और बताऊंगा जयपुर चौपाटी। तो फ्रेंड्स ये जयपुर चौपाटी के बाहर का व्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। अभी मैं कुछ देर में अंदर जाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या खाने को मिलता है यहाँ पर। दोस्तों मैं टिकट दे रहा हूँ और अंदर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर चौपाटी लिखा हुआ है जहाँ पर लोग फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं और इसे जयपुर चौपाटी का सेल्फी पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर चौपाटी का जो शिलान्यास है श्री शांति धारीवाल जी द्वारा किया गया है। तो मैं आपको अंदर की तरफ ले जाकर पूरी चौपाटी का व्यू दिखाऊंगा और यहाँ पर क्या क्या मिलता है वो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। दोस्तों चौपाटी के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कौन-कौन सी शॉप है यहाँ पर, मैं आपको पूरी जयपुर चौपाटी का व्यू दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स मैं जयपुर चौपाटी के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जयपुर चौपाटी पर आज काफी भीड़ है संडे होने की वजह से। यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। तो आपको मैं यहाँ पर पूरी जो शॉप है वो दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर क्या क्या मिलता है मैं आपको पूरा स्टार्टिंग में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रेड पेपर्स जो शॉप है वो एक नंबर शॉप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा और क्या रेट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी तरह की अमृतसरी दही भल्ले, हांडी बिरयानी और अमृतसरी कुलचा जो कि सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉप पे हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं रामा किशन पराठा, जो पराठे हैं यहाँ पर काफ़ी तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पराठे का, तो भैया जो सबसे बेस्ट पराठा है वो कौन सा अपने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बिकता है यहाँ पे? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पनीर चीज गार्लिक भैया बता रहे हैं 150 रुपीज का पड़ता है भैया, सबसे बेस्ट आपकी शॉप का वो। तो बेस्ट मैं चलता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर क्या है। 10 बेस्ट ऑफ साउथ शॉप नंबर 3 है। इडली सांभर और आपको जो भी साउथ का जो खाना है वो आपको यहाँ पर पूरी। नेक्स्ट शॉप है तीखा स्वाद जो कि शॉप नंबर 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूप स्टार्टर डिलक्स थाली और जो कि सभी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों तीखा स्वाद। यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तंदूरी रोटी की रेड बटर तंदूरी रोटी लच्छा पराठा और आपको यहाँ पर वो सभी प्रकार की यहाँ से हर तरीके से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो शॉप है वो हरे कृष्णा जैन फूड की शॉप नंबर 5 पे है। आप यहाँ से इसका मेन्यू देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है दोस्तों वो पूरा मैं आपको मेन्यू दिखा रहा हूँ जिससे आप देख सकते हैं। जो तवा पुलाव बनाया जा रहा है आपका क्या रहेगा? देख सकते हैं टेम्पटेशन शॉप नंबर 6 पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा वो मैं आपको पूरा जो व्यू है और वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या मिल जाएगा आपको मैक्सिकन एक वो दे रहा चाउमीन
देख सकते हैं आप यहाँ पर आज भीड़ भी काफी ज्यादा है। क्या स्पेशल मिलता है यहाँ पर आप जरा बताइएगा, क्या मिलता है अपनी शॉप पर? दूध है, जलेबी है। अच्छा, और जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको क्या पसंद से ज्यादा क्या मतलब डिमांड होती है उनकी? दूध और जलेबी की सबसे ज्यादा। अच्छा, दूसरा देखते हैं आपसे फ्रेंड, यहाँ पर दूध जलेबी जो की राजस्थान में काफी ज्यादा खाया जाता है, और ये तो भैया क्या है हांडी में बन रही है? खरी चाय। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हांडी के अंदर चाय बन रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं शॉप नंबर 8 पर क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको, पान शेक, कीवी शेक, सभी तरह का जो शेक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भैया आपने यहाँ पर सबसे स्पेशल शेक है कौन सा है जो मतलब डिमांड में? शेक स्पेशल है, मैंगो शेक है, बटर स्कॉच शेक है, कीवी शेक है, लीची शेक है। तो भैया जो पब्लिक डिमांड मतलब सबसे ज्यादा पब्लिक मानती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी शेक सबसे ज्यादा फेमस है हमारा स्ट्रॉबेरी शेक। अच्छा, क्या प्राइस है? नेचुरल बनाते हैं हम स्ट्रॉबेरी शेक। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप जो ताजा स्ट्रॉबेरी होती है उससे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी शेक बनता है, और बनाना बटर स्कॉच शेक सबसे बढ़िया जी बना रहे हैं मैंगो शेक। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंगो शेक भैया बना रहे हैं, और स्ट्रॉबेरी शेक की ज्यादा डिमांड होती है यहाँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बनती है, देख सकते हैं ब्रिजवासी फालूदा आइसक्रीम यहाँ पर शॉप नंबर 9 है, रबड़ी फालूदा, और यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो आइसक्रीम शॉप है भैया से पूछते हैं यहाँ पर क्या है। तो भैया जो यहाँ पर स्पेशल चीज है वो अपने यहाँ पर क्या है आप बताइए थोड़ा यहाँ के बारे में। अच्छा, सबसे ज्यादा पब्लिक डिमांड में यहाँ पर क्या है मतलब क्या मांगते हैं पब्लिक अगर वो यहाँ पर आप क्या पसंद करते हैं? रेगुलर फालूदा और वाली सुविधा हमारे यहाँ बनती है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर केसर कुल्फी और फालूदा सभी तरह के आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो भैया पब्लिक का रिस्पॉन्स जो कैसा है जयपुर चौपाटी यहाँ पर खुली है? अभी तक तो सही है भाई साहब, आते हैं। अच्छा, तो आप सेटिस्फाइड हो आपका उनका पता यहाँ पर? ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुल्फी सर्कल शॉप नंबर 10 पर क्या क्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो व्यू है। मैं आपको जयपुर चौपाटी की सारी जो शॉप है उनका पूरा मेन्यू सारा दिखा रहा हूँ जयपुर चौपाटी जो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉप है आनंद प्रदा, आनंद प्रदा का जो आप मेन्यू देख सकते हैं यहाँ पर दाल पकौड़ी और कांदा भजिया, आपको पनीर पॉपकॉर्न और सभी तरह की वेरायटी यहाँ पर आपको। भैया अपनी शॉप पर स्पेशल क्या है? श्रीगंगा साउथ इंडियन की शॉप है नेक्स्ट, वो चलकर देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाएगा हमें। प्लेन डोसा, चॉकलेट डोसा, सभी तरह के जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कतली, पिज़्ज़ा, पास्ता, काफ़ी अलग अलग वैरायटी की शॉप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और सभी तरह की वैरायटी है काफ़ी तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पर। भैया यहाँ पर रेडी कर रहे हैं, और नेक्स्ट शॉप जो है देख सकते हैं तिवारी चाट भंडार का जो नेक्स्ट है वो। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ, और काफ़ी शॉप है यहाँ पर, पूरी जो शॉप है वो सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। राधे कृष्ण चाट भंडार की शॉप है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाट की जो शॉप है राधे कृष्णा चाट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट शॉप है वो सम्राट शॉप नंबर 16, छोले भटूरे और आपको सभी तरह की यहाँ पर जो वैरायटी है वो देखने को मिल जाएगी देख सकते हैं आपको यहाँ पर खमन। 76 सालों पुरानी जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी शॉप है जयपुर के अंदर यहाँ पर भैया ने जो खुली है, और बॉम्बे चौपाटी नेक्स्ट देख सकते हैं आप 17 नंबर पर जो बॉम्बे चौपाटी पर है
आगे देखते हैं भैया क्या बन रहा है। पाव भाजी ब्रो। तो दोस्तों बॉम्बे की जो पाव भाजी होती है वो काफी ज्यादा फेमस होती है, तो भैया जो बना रहे हैं देख सकते हैं। तो फिर इसमें क्या लगा, स्पेशल बटर प्लस पनीर चिल्ला। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नेक्स्ट शॉप है कलकत्ता चाट भंडार। कलकत्ता की जो फेमस डिशेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी रेट भी यहाँ पर लिखी हुई है। और देख सकते हैं स्पेशल दही बड़ा, कांजी बड़ा और वो सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं शॉप नंबर 19 आइसक्रीम एंड सेट्स की वेराइटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, केसर पिस्ता कुल्फी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ओबराय स्वीट्स यहाँ पर प्राइस लगी हुई है, आप देख सकते हैं रसगुल्ला गुलाब जामुन और सभी तरह की। तो भैया अपने यहाँ पे क्या क्या मिलता है? भैया अपने यहाँ पे हलवे मिलते हैं, चार पांच वैरायटी हलवे में मिल जाएगी आपको। अच्छा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, काला गुलाब जामुन मिल जाएगा, बकलावा मिल जाएगा। बकलावा दुबई की मिठाई, टर्किश मिठाई बोलते हैं, ड्राई फ्रूट। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपको सभी प्रकार की यहाँ पर गुलाब जामुन काफी स्वीट्स यहाँ पर आपने को देखने को मिल जाएगी। तो भैया जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पर कैसा मिल रहा है, मतलब क्या? अभी तो भैया कम है थोड़ा, शाम को ही रश रहता है, दिन में इतना नहीं रहता। अच्छा, दिन में ही रहता। संडे को तो भैया फिर भी पब्लिक आती है यहाँ पर। संडे को तो फिर भी दिन में बिल्कुल रहता है, दिन में बढ़िया रहता है, जैसा अभी है वैसा ही दिन में। अच्छा भैया, तो भैया लगभग एक महीना हो गया इसको खुले हुए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है नारायण जी की गजक। नारायण जी की गजक देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो इसका मेन्यू है गजक वाली गुड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तो भैया अपने यहाँ पे स्पेशल गजक कौन सी है? अच्छा, इसका प्राइस है ना गजक वाली गुड़। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गजक वाली गुड़ है वो यहाँ की स्पेशलिटी, और ये दिल सकरी। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थानी ढाबा शॉप नंबर 22 पर सिंपल थाली, जयपुरी थाली, जोधपुरी थाली, और यहाँ पर आपको पूरा जो खाना है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थानी जो ढाबा है आप देख सकते हैं यहाँ पर गेहूँ का चूरमा, गुलाब का चूरमा, पाइनएप्पल का चूरमा, काफ़ी अलग अलग वेराइटी में जो है वो आपको यहाँ पर चूरमा। जेएमबी बेकर्स एंड फास्ट फूड बेकरी की जो सभी चीज़ें होती है वो फास्ट फूड पर जो चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पर पूरी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर केक रखे हुए हैं। नेक्स्ट भोजा गोविंद, यहाँ की जो रेट है वो आप देख सकते हैं केसरिया रबड़ी, अंगूरी रबड़ी, आप देख सकते हैं जो शॉप का डेकोरेशन है वो प्योर राजस्थानी तरीके से किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं साफा लगाया गया। और जयपुर का जो ट्रेडिशनल होता है राजस्थान का जो ट्रेडिशनल है उसी तरह से शॉप को डिजाइन किया गया है। क्या क्या अवेलेबल और क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पर? सर मेरे को ऑथेंटिक राजस्थानी फूड अवेलेबल है, टिक्कड़ मक्के के, बाजरे के, बिगड़ के, सब्जी आलू प्याज की रबड़ी है, आम की, सीतापुर की, केसरिया जी और बाजरे का राब अवेलेबल है। जैसे तो पब्लिक की डिमांड में सबसे ज्यादा क्या है यहाँ से? सर थालियाँ रहती हैं, ट्रेंडिंग में थालियाँ रहती हैं। और आपकी जो शॉप का डेकोरेशन है वो भी आपने काफी शानदार तरीके से किया गया, आपकी पगड़ी, और जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप काफी शानदार, सबसे मतलब मुझे तो सबसे अच्छी शॉप यही देखने को लगी यहाँ पर, डेकोरेशन इसका काफी शानदार तरीके से किया गया। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इसकी शॉप का जो पूरा है, देख सकते हैं यहाँ पर 25 नंबर की जो शॉप है उस पर क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर प्राइस और मैं आपको ये बोकू भी यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर सभी तरह की आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी। शॉप नंबर 26 पर मसाला पनीर टिक्का, और आपको सभी तरह की यहाँ पर जो टिक्का देखने को मिलेगी, जो पनीर की जो देख सकते हैं आप रेट यहाँ पर। मंगल अपनी शॉप पर स्पेशल क्या मिल जाएगा? अपनी शॉप पर स्पेशल क्या है? सर हमारे शॉप पर स्पेशलिटी है शेफ स्पेशल पनीर टिक्का, पनीर टिक्का 200 आप देखेंगे, रोल्स हमारे स्पेशल है। अच्छा, रोल्स स्पेशल हमारे टिक्का में सर, शेफ स्पेशल टिक्का हमारे शेफ की स्पेशलिटी है, उसके अंदर केशू नट, मावा एंड
कोकोनट वगैरह स्टफ है। एंड हमारा कुरकुरे पनीर टिक्का भी स्पेशल है सर, हमारा टॉप सेलर है वो। उसके अंदर सर करट की ग्रेवी में कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग है, बिल्कुल क्रंची है। तो सर पब्लिक डिमांड मतलब क्या है, सबसे ज्यादा पब्लिक क्या खाना पसंद सर? हमारे टिक्का काफी पसंद आ रहे हैं लोगों को, पनीर टिक्का, मसाला पनीर टिक्का, कुरकुरे पनीर टिक्का हमारे सबसे टॉप सेलर है। और आपकी जो जयपुर चौपाटी न्यू खुली है, यहाँ पर पब्लिक का जो रिएक्शन मतलब क्या मतलब आपको देखने को? बहुत अच्छा रिएक्शन है, लोग बहुत अच्छे एंजॉय के हिसाब से वीकेंड पे और संडे के दिन यहाँ पर काफी काफी रस रहता है, और छुट्टी के दिन काफी रस रहता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप कैपिटल मेल जो 27 नंबर पे यहाँ पर जो नॉनवेज की जो वेराइटी रखी हुई है, नॉनवेज शॉप है ये। तो भैया अपनी शॉप पर क्या क्या अवेलेबल है? सर अपना चिकन, फिश, मटन सब अवेलेबल है। चिकन की एक ही शॉप है, पूरी शॉप आती है। अच्छा, जो पूरी मतलब एक ही शॉप है यहाँ पर देखें। और तो भैया पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स है मतलब सोच से भी ज्यादा। संडे के दिन आपको काफी मतलब सैटरडे संडे वीकली ज्यादा क्राउड होता है, मतलब एक टाइम नहीं मिलता। ठीक है भैया, थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं द कैपिटल ग्रिल जो नॉनवेज की एकमात्र शॉप है यहाँ पर, और नेक्स्ट जो शॉप है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको पूरी जो शॉप है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और मैं आपको जो पूरी जो सिटिंग की फैसिलिटीज है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पर फैमिली के साथ आ सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैमिली यहाँ पर काफी, आज संडे होने की वजह से यहाँ पर काफी रश भी है। तो आप देख सकते हैं आप सीटिंग फैसिलिटीज काफी शानदार है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो फैसिलिटीज है, आपको जयपुर जो चौपाटी का है वो पूरा जो व्यू यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन भी लगी हुई है, और देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे और काफ़ी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। लोग बैठने की जो है वो फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर, इसलिए आप यहाँ पर देख सकते इतना क्राउड होने के बाद भी यहाँ पर आपको भीड़ लगेगी लगेगी देखने के लिए। Oh, 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 oh
आप एग्जिट का जो रास्ता है यहाँ पर वो देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चों का जो बलून है वो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। और एग्जिट की तरफ देख सकते हैं, मैं एग्जिट की तरफ आ चुका हूँ भैया।